मैं यह करूं या नहीं, तुम कौन होते हो पूछने वाले। मैं कॉलेज जाऊं या नहीं, तुम कौन होते हो सलाह देने वाले। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं मैं कोई काम करूं या नहीं, तुम कौन होते हो डांटने वाले, तुम कौन होते हो सलाह देने वाले, तुम कौन होते हो पूछने वाले। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। अगर आपके पास भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। आइए फ्रेंड्स आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, जैसे मैं आऊं या नहीं, तुम कौन होते हो पूछने वाले। तो पहला सेंटेंस जहां आपने कहा मैं आऊं या नहीं को बोलने के लिए आप कहेंगे वेदर, उसके बाद आप सब्जेक्ट वर्ब और नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा पार्ट जहां आपने बोला आप कौन होते हो पूछने वाले के लिए आप कहेंगे हु आर यू टू आस्क। कैसे, आइए इस बात को एग्जांपल्स में डिटेल से समझें। मैं आऊं या नहीं, तुम कौन होते हो पूछने वाले। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेदर आई कम और नॉट हु आर यू टू आस्क। मैं पढ़ूं या नहीं, तुम कौन होते हो डांटने वाले। वेदर आई स्टडी आर नॉट हु आर यू टू स्कॉल्ड, यानी चाहे मैं पढ़ूं या न पढ़ूं, तुम कौन होते हो डांटने वाले। मैं पैसा बचाऊं या नहीं, तुम कौन होते हो सलाह देने वाले। वेदर आई सेव मनी और नॉट हु आर यू टू एडवाइज, यानी मैं पैसा बचाऊं या नहीं, तुम कौन होते हो सलाह देने वाले। मैं यह करूं या नहीं, तुम कौन होते हो पूछने वाले। वेदर आई डू दिस आर नॉट हु आर यू टू आस्क, यानी मैं इसे करूं या नहीं, तुम कौन होते हो पूछने वाले। मैं होमवर्क करूं या नहीं, तुम कौन होते हो पूछने वाले। वेदर आई कम्प्लीट होमवर्क आर नॉट हु आर यू टू आस्क, मैं काम करूं या नहीं, तुम कौन होते हो सलाह देने वाले। वेदर आई वर्क आर नॉट हु आर यू टू एडवाइज। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़े जहां आप कहते हैं मैं कोई काम करूं या नहीं, तुम कौन होते हो डांटने वाले, तुम कौन होते हो पूछने वाले, तुम कौन होते हो सलाह देने वाले को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।